press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है SZDTech YouTube चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया जुगाड़ बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सबको तो पता ही है मैं इस चैनल पे ज़्यादातर जुगाड़ की वीडियो डालता रहता हूँ, तो चलिए दोस्तों क्या जुगाड़ है देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जो डिश का हेडवेयर रहता है, दोस्तों डिश का स्टैंड रहता है, मैंने एक जगह ऐसे फिट किया है। तो आप देख सकते हैं इन्हें ऐसा क्यों फिट किया दोस्तों, तो देखिए आपको बता दो मैंने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों यहाँ पे हम अभी जो खिले हथौड़े से ठोक रहे हैं, तो दोस्तों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो पट्टिया थे दोस्तों, पट्टिया और नीचे की जो क्लैंप तो वो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम ऐसा जुगाड़ करके ये ऐसा काम कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मतलब जिनके पास कोई पट्टिया नहीं दोस्तों, जो और नीचे की क्लैंप नहीं होती, होता है दोस्तों ऐसे हर बार होता है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम निकाल नहीं सकते, नहीं तो वहाँ पे घूम जाता है तो वो आप वैसे वहाँ पे भूल जाते हैं, नहीं तो घूम जाता है, ऐसे एक अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने निकाला दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जुगाड़ करके आपके सामने ऐसा जो मैंने हेड ये दोस्तों स्टैंड ये ऐसा फिट किया है। दोस्तों उसके साथ ही एक एयरटेल की डिश थी, तो आप रेगुलरली ऐसे सेट करते हैं, तो लेकिन मैंने कुछ इस तरीके से आपको सेट करके दिखाया दोस्तों। ये मेरा वीडियोकॉन का डिश है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास कोई ये नहीं था, पट्टिया नहीं थे और नीचे का क्लैम भी नहीं था, मैंने पूरा देसी तरीके से ये जुगाड़ किया है दोस्तों। दोस्तों ये आप भी ऐसे जुगाड़ और ट्रिक्स मेरे से मतलब इस चैनल पे सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे आपको डिटेल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पे आप देखते हैं ऐसे दो पट्टियाँ है और नीचे का जो क्लैम है दोस्तों, उस स्टैंड को वैसा नहीं था, इसके लिए मैंने ऐसा जुगाड़ किया है। देख सकते हैं दोस्तों ऐसे जुगाड़ करके भी आप ये स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हर वक्त ऐसा नहीं है आपको पट्टियाँ लाना पड़ेगा और नीचे क्लैंप लानी पड़ेगी तब जाके आपका स्टैंड लगेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप ऐसी भी आपकी डिश सेट कर सकते हैं, आपको सिर्फ 3 या 4 इंच के लंबे जो खिले हो दोस्तों वो लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये एकदम परफेक्ट फिट होगा। दोस्तों इतना फिट हुआ है जितना आम पट्टियाँ लगाते और ये लगाते दोस्तों उतना फिट नहीं होता, इतना फिट हुआ है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी जो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको नए नए वीडियो देता रहता। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।